तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल अकाउंट कैसे बनाएं। वैसे तो गूगल अकाउंट बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जिसे देखने के बाद हर कोई अपने मोबाइल में अपना खुद का गूगल अकाउंट बना सकता है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना है। तो आपके मोबाइल में जहाँ भी सेटिंग ऐप हो, उसे खोज कर ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको सेटिंग कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है। जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ अकाउंट का एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अगर आपके मोबाइल में कोई जीमेल आईडी पहले से लॉगिन होगा तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। अगर नहीं लॉगिन होगा तो आपको यहाँ पर सिंपल पेज देखने को मिलेगा। उसके बाद आप करके नीचे आना है। नीचे जैसे ही आएंगे तो आपको प्लस का सिंबल देखने को मिलेगा और उसके आगे आपको देखने को मिलेगा ऐड अकाउंट। तो सिंपली आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है। ऐड अकाउंट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ढेरों सारे ऐप देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको गूगल पर क्लिक करना है। गूगल पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये कुछ प्रोसेसिंग लेगा और आपको यहाँ पर अपना फिंगर या अपना स्क्रीन पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए फिंगरप्रिंट यूज़ करता हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है MLC टेक टिप्स। तो उस चैनल पर मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि उस पर मेरा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग चुका है। हो सकता है वो चैनल मेरा दो एक दिन में डिलीट हो जाए। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया प्लीज़ इस चैनल पर सपोर्ट करें। उस चैनल पर मेरे करीब 1300 कुछ सब्सक्राइबर हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अभी तो बहुत मेहनत के बाद मैंने उस चैनल को खड़ा किया था और वो चैनल अभी डिलीट होने के कगार पर है, मेरे कुछ गलतियों की वजह से, जो मुझे पता नहीं था कि YouTube पर कैसे काम करना चाहिए था। तो गाइस, प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। अब आपको यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फॉर माई सेल्फ मैनेज माई बिजनेस। तो अगर आप अपना पर्सनल गूगल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का दो बॉक्स आ जाएगा। तो इसमें ऊपर वाले बॉक्स में आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, जैसे कि मैं अपना नाम दे देता हूँ, और सेकंड वाले बॉक्स में आपको अपना लास्ट नेम देना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो या अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे जेंडर देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको जेंडर पर क्लिक करना है। अगर आप पुरुष हैं तो मेल पर क्लिक करेंगे, अगर आप लेडीज हैं तो फीमेल पर क्लिक करेंगे। तो मैं मेल पर क्लिक करता हूँ। इतना करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना जीमेल आईडी बनाना है। तो आप अपना कोई भी जीमेल आईडी पहले सोच लीजिए। तो मैं यहाँ पर अपने नाम से बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद अब आपको यहाँ पर कोई ऐसा नंबर डालना है जो नंबर आपको हमेशा याद रहे और वो नंबर किसी के पास ना हो, या अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। इतना करने के बाद आपको @gmail.com नहीं लिखना है क्योंकि आपको ये लास्ट में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अकाउंट बनाते समय अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई एंड अदर, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। ये जो लास्ट में आप नंबर डाले हैं, इसी नंबर को आप चेंज करके कोई दूसरा नंबर डालें या एक दो नंबर हटा के कोई अन्य नंबर डालें। बट इतना आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आप डालें वो आपको याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर उठा लिया। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो आप यहाँ पर कोई स्ट्रांग पासवर्ड बनाइएगा जिसका अनुमान कोई दूसरा ना लगा सके, केवल आप ही उसे जानते हो, और जीमेल आईडी का पासवर्ड किसी को बताना नहीं चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर अपना कोई पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ शो पासवर्ड देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड देख सकते हो या हाइड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको गूगल का कुछ इस तरह का पेज शो होगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको एस पर क्लिक करना है। फिर आपको आपका गूगल अकाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको गूगल का प्राइवेसी एंड टर्म्स देखने को मिल जाएगा। तो फिर आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद फाइनली आपका गूगल अकाउंट बन चुका है। अगर आप इसे अपने यूट्यूब या प्ले स्टोर से लॉगिन करना चाहते हो तो सिंपली आपको अपना यूट्यूब या प्ले स्टोर कोई भी ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। सिंपली आपको यूट्यूब ओपन करना है।
YouTube ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर आदमी का सिंबल देखने को मिलेगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। मेरे YouTube में मेरे पुराने चैनल का लोगो दिख रहा है, तो आपको सिंपली यहीं पर क्लिक करना है। ये मेरे पुराने चैनल का नाम है जो अभी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पर है, इस पे आपको यहाँ एक एरो देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। आप जो जीमेल आईडी बनाए होंगे वो यहाँ पर दिख जाएगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।